आज इकट्ठे ही बैठे थे सारे। टेंथ जी, टेंथ एकेडमी थले गर्ल्स में चला गया ना पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, हाफिज नवीद क्लास 10 इस्लामियात का लेक्चर हम लेने जा रहे हैं मेरे बच्चों। सूरह अहजाब आयत नंबर 7। मेरे बच्चों सूरह अहजाब की आयत नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग जो चीजें पढ़ चुके हैं सूरह अहजाब की पहली 6 आयात पढ़ चुके हैं मेरे बेटों, और आज हम आयत नंबर 7 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। मेरे बच्चों आप अपने नोट्स या किताब ओपन कर लें ताकि हम सूरह अहजाब की आयत नंबर 7 से स्टार्ट करें। وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا। जी मेरे बच्चों, सबसे पहले पहला लफ्ज है वाइज़। इसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ वाओ का माना क्या होता है और, क्या माना होता है मेरे बच्चों और। इस का माना होता है जब। अखजना, ये अखज से है, लफ्जी माना होता है इसका पकड़ना या लेना। अखजना और जब हमने लिया। मिन का माना होता है से। नबी जीन का माना होता है नबी, नबियों से। और जब हमने नबियों से लिया, मीसा का हम उनसे वादा या उनका वादा, मीसा कहूं उनका वादा। वमिन का ए मोहम्मद आपसे, वमिन का ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे। वमिन नूहिन और हजरत नू अलैहिस्सलाम से। व इब्राहिमा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। व मूसा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। ईसा बिन मरियमा और ईसा बिन मरियम से। और जब हमने पैगंबरों से अहद लिया और तुम से और नूह से, इब्राहिम से और मूसा और मरियम के बेटे ईसा से। वअखज़ना और हमने उनसे लिया, वअखज़ना और हमने उनसे लिया, मीसाकन वादा, गलीजन पक्का। और जब हमने पैगंबरों से वादा लिया और ए मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और नू और इब्राहिम और मूसा और मरियम बिन मरियम के बेटे ईसा से, और हमने उनसे पक्का वादा लिया, और हमने उनसे पक्का वादा लिया। और मेरे बच्चों इस वादे से क्या मुराद है कि जो जब मैं तुम्हें इस दुनिया में भेजूंगा तो तुमने अल्लाह के वादे को पाए तकमील तक पहुंचाना है। जी मेरे बच्चों आयत नंबर 8 पे आ जाएं। لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا। لِيَسْأَلَ ताकि सवाल पूछा जाए, सवाल किया जाएगा। अस्सादिकीना सच्चों से, ताकि सच्चों से सवाल किया जाएगा। अनसिद की हिम उनकी सच्चाई के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में और सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त किया जाएगा। वअद्दा और तैयार किया गया है,
लिल काफिरीना काफरों के लिए अदाबन अलीमा दर्दनाक अजाब, ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त किया जाएगा और उसने काफरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और मेरे बच्चों रुकू नंबर दो पे आ जाएं, आयत नंबर 9 है इसकी। या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا। जी मेरे बच्चों, या अय्युहल लदीना आमनू, ए ईमान वालो, क्या ए ईमान वालो, उज़कुरु याद करो, उज़कुरु याद करो, नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमतों को, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो, अलैकुम जो तुम पर हुई हैं, इस जाअतकुम याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे पास आए, जाअतकुम तुम्हारे पास आए, जुनूदुन लश्कर। ये लफ्ज़ जुनूद को अंडरलाइन कर ले मेरे बच्चों, क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें इस लफ्ज को, ये एमसीक्यूज है। ये लफ्ज जुनूद जो है मेरे बच्चों, जुनूदुन, ये एमसीक्यूज आता है बोर्ड में, इसको अंडरलाइन कर लें मेरे बच्चों, जुनूदुन। इज जाअतकुम जुनूदुन, जब जुनूद का माना होता है फौजे, लश्कर, याद करो जब तुम्हारे पास बहुत सी फौजें आई तो फिर क्या हुआ, फअरसलना, फअरसलना तो हमने भेजी अलैहिम उन पर, रीहन हवा का लश्कर, वजुनूदन, रीहन का माना होता है हवा और जुनूदन का माना होता है लश्कर। लम तरौहा, तुम नहीं उनको देख सकते थे, वकान अल्लाहु और अल्लाह है, बिमा तामलूना जो तुम करते हो, बसीरन बसीरन देखने वाला, बसीरन मेरे बच्चों देखने वाला। अब इस आयत का थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको मेरे बच्चों बताता हूं। ये जो जब मदीने के गिरदो नवा में बहुत बड़ा लश्कर आ गया, सैयदना हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रात के वक़्त हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत कम साथी रह गए, और शदीद तरीन ठंडी और तेज हवा चल रही थी, तो हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं, खुदा की कसम, क्या फरमाते हैं वो हदीस में जो अल्फाज हैं, वल्लजी नफ्सी बियादी ही, उस रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं सबसे, आप क्या फरमाते हैं, मैं सबसे बुजदिल आदमी था। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफल अदा करके हमारी तरफ आए तो हम चंद एक सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रह गए थे। आप फरमाते हैं, जो ऊपर मैंने शाल ली हुई थी सर्दी को रोकने के लिए, चादर ली हुई थी, वो बड़ी नहीं थी, अगर मैं खड़ा होता हूं तो टांगे मेरी जो होती हैं वहां बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, और मैं नबी पाक के अदब के लिए खड़ा नहीं हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर फरमाया, मन अंता, आप कौन है, मैंने कहा, अना हुज़ैफा, तू, ऐ अल्लाह के हबीब, मैं हुज़ैफा बिन यमान हूं। कहा, कुम, कहते हैं, मैं नहीं खड़ा हुआ, आपने फिर फरमाया, कुम, तू खड़ा हो जा, कहते हैं, आखिरकार मैं खड़ा हो गया, तो आपने फरमाया, फ़ज़हब इला माशर अल कुफारी, कुफार के गुरो की तरफ चला जा।
तो मैं बड़ा बुजदिल आदमी था। जब नबी पाक ने तीसरी मरतबा सख्ती से कहा तो मैं खड़ा हुआ और मैं चल पड़ा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरे हुज़ैफ़ा की आगे से भी हिफाजत फरमा, पीछे से भी हिफाजत फरमा, दाएं और बाएं सिमत से भी हिफाजत फरमा, ऊपर और नीचे से भी मेरे हुज़ैफ़ा की हिफाजत फरमा। हजरत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं खुदा की कसम, वो फरमाते हैं खुदा की कसम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ फरमाने की देर थी, मुझसे बड़ा कोई बहादुर नहीं था। फरमाते मैं चल पड़ा। क्या फरमाते हैं? मैं चल पड़ा। तो मेरे बच्चों ये आयत का पस मंजर था, मैं इस आयत का तर्जमा दोबारा कर देता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरू निअमतल्लाहि, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो जो उसने तुम पर की। इस जात कुम जुनूदन, जब लश्कर तुम्हारे पास आए तो फिर हमने क्या किया? फअरसलना अलैहिम रीहन, ये लश्कर तकरीबन 30 दिन तक मदीने का मुहासरा किए हुए था। तो अल्लाह ने फरमाया फअरसलना अलैहिम रीहन, बस हमने उन पर हवा का लश्कर भेजा। रीहन व जुनूदन, हमने उन पर हवा का लश्कर भेजा। लम तरौहा, जिसे तुम नहीं देख सकते थे। वकान अल्लाह बिमा तअमलून बसीरा, और जो काम तुम करते हो खुदा उनको देख रहा है। आगे है मेरे बच्चों आयत नंबर 10, जहां पे आयत नंबर 9 खत्म होती है उससे आगे आयत नंबर 10 जो है वो स्टार्ट हो रही है। सुने मेरे बच्चे, इज जाउकुम मिन फौकिकुम वमिन असफल मिनकुम वइज ज़ागतिल अबसार वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ। जी मेरे बच्चों, फरमाया इस जाउकुम, जब तुम्हारे पास वो लश्कर आए, मिन फौकिकुम तुम्हारे नीचे से, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, वमिन असफला और तुम्हारे नीचे से, बाइज ज़ागतिल अबसारू, बाइज और जब ज़ागत फिर गई अल अबसार आंखें, बबलगतिल कुलूब, बबलगत पहुंच गए अलकुलूबु दिल, अलहनाजिरा गलों को, बतजुन्नूना और तुम गुमान करने लगे, बिल्लाहि जुनूना अल्लाह की तरफ तरह तरह के। अब क्या था मेरे बच्चों, मुनाफकीन ने मुसलमानों को बरगलाना शुरू कर दिया, मुनाफकीन ने मुसलमानों को बरगलाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कहां है तुम्हारे रब की, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, कहां है तुम्हारे रब की मदद, अभी तक तुम्हारे रब की मदद तो आई नहीं। और एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार जो था वो मदीने का मुहासरा किए हुए था। और इसमें दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं मेरे बच्चों, जिनका समझना बेहद जरूरी होता है, जिनका समझना मेरे बच्चों बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले है फौक, ये लफ्ज है, और दूसरा लफ्ज है मेरे बच्चों असफल। फौक का माना होता है ऊपर, फौक का माना क्या होता है मेरे बच्चों? ऊपर। असफल का माना क्या होता है? नीचे। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारे नीचे और ऊपर लश्कर थे कुफार के। और मेरे बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर आसमान से वो नाजल हो रहे थे। और मेरे बच्चों ये आप एक मैप को देखें ना, तो उसमें यूं है, मैं आपको सीरिया कहते हैं शाम को, मुल्के शाम, मदीना यहां पे है, ये मदीना है, मक्का यहां पे है, मक्का आपको नीचे नजर नहीं आया मेरे बच्चों। अब देखें आपने 9th क्लास में मेरे बच्चों हिजरत नबी वाला लेसन जो पढ़ा है, उसमें आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि मक्के के लोग जो थे वो तजारत कहां से कहां करते थे। मक्के के लोग मदीने से शाम की तरफ सफर करते थे तजारत की गरज से, थोड़ा सा आपके जहन में आ गया होगा। और मेरे बच्चों
ये शहर मक्का है, ये शहर मदीना है और ये सीरिया है। यहां से मक्के के लोग चले मदीने पर मुहासरे के लिए, और ये मदीने मक्का जो है सतह समंदर के करीब है, ये समंदर है मींस, तो समंदर जो है मेरे बच्चों वो मक्का की करीब तर है, सतह समंदर के मक्का जो है वो करीब तर है, और मदीना सतह समंदर से ऊपर है और फिर शाम उससे भी ऊपर है। और मेरे बच्चे जब कहा ना फौका फौकाकुम वमिन असफल मिनकुम, एक लश्कर तुम्हारे ऊपर से आया, एक लश्कर तुम्हारे नीचे से आया, इसका मतलब ये है जो मदीने के शाम से मदीने की तरफ जो लश्कर आए उनके लिए कुरान ने लफ्ज फौक का इस्तेमाल किया, और जो मक्का से मदीना पर लश्कर आए उसके लिए असफल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते बालाई सिफात ने मेरे बच्चों असफल और फौक का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि सतह समंदर के करीब तर मक्का है और शाम सतह समंदर से ऊपर है, तो इसलिए शाम की तरफ से जो लश्कर मदीना पर हमलावर होने के लिए आए उनके लिए फौकाकुम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, फौक का इस्तेमाल हुआ। और जो मक्का से मदीने पर हमलावर होने के लिए लश्कर आए उसके लिए असफल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और मेरे बच्चों ये नहीं है कि सारे के सारे लश्कर मदीने पर जब हमलावर होने के लिए आए थे तो मक्का से आए थे, मदीने के कुर्ब जवार में, क्योंकि आपके इलम में होना चाहिए कि मदीने में यहूदी रहते थे, मदीने में यहूदी रहते थे और यहूदियों ने मुसलमान कुफारे मक्का को और जितने भी अरब में दूसरे कुफार लोग थे उनको मुसलमानों के खिलाफ उभारा, और वो दाएं बाएं से जत्थों की सूरत में आए, लश्कर की सूरत में आए, तो इसलिए कुरान मुकद्दस में ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, फौक और असफल। तो इस आयत का तर्जमा दोबारा सुन लें जी मेरे भाई, इस जाउकुम मिन फौकिकुम, जब लश्कर तुम्हारे ऊपर से, वमिन असफल मिनकुम, और तुम्हारे नीचे से आए, तो फिर क्या हुआ, इतना बड़ा लश्कर पहली मर्तबा अरब में आया, इतना बड़ा लश्कर, तो क्या हुआ भाई, ज़ागतिल अबसार, तुम्हारी आंखें फिर गई, मुसलमानों की नहीं, जो मुसलमानों की जमात में मुनाफिकीन थे उनकी आंखें फिर गईं, बबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, और उनके दिल जो थे गुलों तक जा पहुंचे, और वो क्या कह रहे थे, बतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। आगे बेटे, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا, هنالك وہاں, هنالك وہاں ابتلي المؤمنون, مومنوں کو آزمایا گیا, وزلزلوا اور ہلائے گئے, زلزالا شديدا, سخت طریقے سے مسلمانوں کی آزمائش کی گئی۔ اب پرکھنا تھا کہ کون سا رسول اللہ کے ساتھ ہے اور کون سا رسول اللہ کے अगेंस्ट है, मुखालिफ है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 30 दिन जब कुफार ने मुहासरा रखा और मेरे बच्चों हक हक के साथ हो गया, बातिल बातिल के साथ हो गया, और मेरे बच्चों इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की आजमाइश की, तो अल्लाह ने उसी चीज को कुरान में बयान कर दिया कि वहां मोमिनीन को आजमाया गया और सख्त तौर पर हलाए गए, यानी उनकी आजमाइश बहुत सख्त थी। और मेरे बच्चों आगे है, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, اور جب منافق کہنے لگے, اب آگی بات ہے نا منافقوں کی, اور جب منافق کہنے لگے, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی, और मुनाफिक लोग कहने लगे जिनके दिलों में मेरे बच्चों मरज थी, मा वादन अल्लाहू,
खुदा और उस मा बादनल्लाहु व रसूलुहु, खुदा और उसके रसूल ने जो हमसे वादा किया था, इल्ला गुरूरा, वो महज धोखा है। जो मुनाफिक लोग थे वो कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल का जो हमारे साथ वादा था वो महज धोखा है। ये कौन लोग कह रहे थे? जिनके दिलों में मुनाफकत थी, जो लोग सिर्फ और सिर्फ माले गनीमत लेने वाले थे। जब आजमाइश की घड़ी आई तो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के वादे को धोखा करार दे दिया। और उधर इससे आयत नंबर जो 9 है उसमें ये कहा गया ना कि हम तुम्हारी एक ऐसे लश्कर के साथ, हम तुम्हारी एक ऐसे लश्कर के साथ मदद करेंगे, ऐसा लश्कर जो नजर ना आने वाला होगा, जिसको तुम्हारी आंख नहीं देख सकेगी। उन्होंने कहा कि वो वादा तो अभी तक अल्लाह की तरफ से पूरा नहीं हुआ, अल्लाह और उसके रसूल का वादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ धोखा है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है, उस रब की मदद अभी तक क्यों नहीं आई। आयत नंबर 13 में देखें बेटे, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ میرے بچوں آیت نمبر 13 میں یہ بات بتا دی گئی، اور وہ نبی پاک کو جو منافق تھے نا نبی پاک کے پاس آ کر अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, हमारे घर जो हैं वो गैर महफूज हो चुके हैं, तो लिहाजा आप हमें इजाजत दे दें, हम अपने बीवी बच्चों को देख लें। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के हबीब, उनके घर जो हैं वो गैर महफूज नहीं हैं, वो तो राह फरार हासिल करना चाहते हैं। और उनमें से जो मुनाफिक थे ना वो कुछ पहले ही भाग चुके थे। वइज़ क़ालत ताइफ़तुन, एक जमात कहती थी, मिनहुम उन मुनाफकों में से, क्या कहती थी? या अहला यसरीबा। आपको पता होना चाहिए मदीना का पुराना नाम यसरब है। यसरब का माना होता है बीमारियों का घर। यसरब का क्या माना होता है मेरे बच्चों? बीमारियों का घर। और ये बीमारियों का घर शिफा में कब तब्दील हुआ? जब मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीने मक्का से हिजरत करके मदीने में आपने कदम रंजा फरमाया, तो अल्लाह ने इस सरजमीन को शिफा वाली सरजमीन बना दिया। या अहला यसरीबा, जब उनमें से एक जमात कहती थी, ऐ अहले मदीना, ला मुकाम लकुम, तुम्हारे लिए यहां रहने की कोई जगह नहीं है, फरजियु, बस तुम लौट चलो, तुम यहां से भाग जाओ। बयस्ताजीनु, और एक बयस्ताजीनु फरीकुन मिनहुम, और उनमें से एक जमात, एक गुरु इजाजत तलब कर रही थी, किससे? अन्नबिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनमें से एक जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब कर रही थी। यकूलू नाम, वो कह रहे थे, इन्न बयूताना औरा, बेशक हमारे घर, बयूताना, बेशक हमारे घर औरा खुले हुए हैं, गैर महफूज हैं। रब ने क्या कहा? वमा हिया बे औरा, हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे। रब ने क्या कहा? हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे। इन युरीदूना इल्ला फिरारा, इन युरीदूना, मगर वो चाहते हैं, इल्ला फिरारा, राहे फरार, वो तो मुसलमानों का साथ छोड़कर अपनी जान बचाना चाहते हैं। और मेरे बच्चों इसके बाद है आयत नंबर 14, जहां पे आयत नंबर 13 खत्म होती है उससे आगे आयत नंबर 14 शुरू होती है। सुनिए मेरे बच्चों, वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक्तारिहा ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولو دخلت، اگر داخل ہو جائیں، علیہم، ان پر، من اقطارها، مدینے کے اطراف سے، کون؟ کفار مکہ اور ان کے ساتھ جو کافر شامل تھے، جو لشکر تھے، کہا وہ مدینے کے اطراف سے مدینے میں داخل ہو جائیں،
ثُمَّ سُئِلُ الْفِتْنَةَ और फिर कहा जाएगा, फिर उनसे कहा जाएगा, الْفِتْنَةَ अजमाइश, खाना जंगी का, لَآتَوْهَا لَآتَوْهَا तो करने लगेंगे उसको, وَمَا تَلَبَّسُوهَا और वो नहीं ठहरेंगे बिहा, इल्ला यसीरा मगर बहुत कम, बहुत ही थोड़े ए अल्लाह के हबीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठहरने वाले होंगे, ए अल्लाह के हबीब बहुत ही थोड़े लोग आपके साथ ठहरने वाले होंगे। और मेरे बच्चों, आज हमने आयत नंबर 14 तक पढ़ लिया है, अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मेरे बच्चों आप कर सकते हैं, किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मेरे बच्चों आप कर सकते हैं, अपना माइक ऑन करके आप मेरे बच्चों क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आज हमने आयत नंबर 7 से लेकर 14 तक मुकम्मल किया, यानी आज हमने 8 आयात पढ़ी हैं। पिछले लेक्चर में हमने 6 आयात पढ़ी थी, आज हमने 8 आयात पढ़ी हैं। तो मेरे बच्चों, इन 14 की 14 आयात को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।